प्रिय दर्शकों नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के सीएनआईटी विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल आरएसपी के नगर सेवा विभाग के 4 कर्मचारी शाबाश योजना के तहत सम्मानित। और सेल आरएसपी में तनाव प्रबंधन पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल रौलकिला इस्पात संयंत्र के कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सीएनआईटी विभाग के विभागीय सम्मेलन कक्ष में 21 दिसंबर को सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक सीएनआईटी श्री के सेन गुप्ता ने समारोह की अध्यक्षता की और सृजनी सृजनशील योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक आईईडी श्री बीके बेहरा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सेन गुप्ता ने आरएसपी की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को आकार देने में सीएनआईटी कर्मी समूह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी से संयंत्र के समग्र सुधार के लिए अपना योगदान जारी रखने का आग्रह किया। श्री बेहरा ने विभाग के विशेष संदर्भ के साथ संयंत्र में सृजनी की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर कुल 85 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 68 को पहले ही लागू किया जा चुका है। कर्मचारियों को 79,200 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यान्वित सुझाव से एक मुश्त लाभ 51.05 लाख रुपये था, जबकि आवर्ती लाभ 1.63 करोड़ रुपये था। प्रारंभ में सहायक महाप्रबंधक सीएनआईटी श्री संजय गौतम ने सभा का स्वागत किया, जबकि उप महाप्रबंधक सीएनआईटी मोहम्मद फर्राज अब्बासी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल रौलकिला इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग के 4 कर्मचारियों को 19 दिसंबर को विभाग में आयोजित एक समारोह में शाबाश योजना के तहत सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पी के स्वाई ने समारोह की अध्यक्षता की और संपदा पर्यवेक्षक श्री बी पी आर महापात्र, वरिष्ठ कार्यपालक सहायक नगर सेवा आई एंड ई श्री के सी नायक, वरिष्ठ शिक्षक IEMS सेक्टर 22 श्री एस एन पंडा और वरिष्ठ क्षेत्र सहायक सीएसआर श्री बी एक्का को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा श्री पी के दास और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री स्वाई ने प्रतिभागियों को बधाई दी और टीम में उद्यमशील प्रयासों की सराहना की तथा उनसे कंपनी की समृद्धि और लाभप्रदता में योगदान जारी रखने का आग्रह किया। श्री महापात्र को सब लीजिंग मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए सम्मानित किया गया। श्री केसी नायक को विभिन्न कार्यों और राजस्व सृजन के लिए विवेकपूर्ण भूमि आवंटन के लिए सम्मानित किया गया। श्री एस एन पंडा को स्कूल की छवि में सुधार लाने और स्कूल में बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। लोक सांस्कृतिक महोत्सव संवर्धन और विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के दौरान श्री इक्का द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट आयोजन कौशल ने उन्हें पुरस्कार दिलाया। महाप्रबंधक नगर सेवा श्री टीजी काणेकर ने सभा का स्वागत किया और समारोह का संचालन किया, जबकि सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री एससी परीक्षा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। ओएचएससी में 18 दिसंबर को तनाव प्रबंधन पर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों के कुल 21 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का विषय तनाव कैसे दूर करें तथा वरिष्ठ प्रबंधक CP2 श्री बाबूला नाहक ने तनाव के कारणों की व्याख्या की और इस सत्र में तनाव से निपटने के लिए उचित भोजन, नींद, मन स्थिति और सांस लेने के तरीकों की आवश्यकता पर जोर दिया। योग पर एक व्यवहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। इसके बाद विचार विमर्श सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी शंकाओं का समाधान किया। प्रारंभ में वरिष्ठ उप चिकित्सा अधिकारी OHSC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और OHSC की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। OH तकनीशियन श्री KC प्रधान ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।